वेलकम टू राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो हम लोग देख रहे हैं मेथड टू फाइंड सेंट्रोइड इन सेंटर सर्किम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्रेंगिल व्हेन इक्वेशंस ऑफ साइड्स आर गिवेन। अगर किसी त्रिभुज के तीनों साइड का इक्वेशन दिया रहे तो उसका केंद्रक और अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंब केंद्र, इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिख दिया गया हिंदी सेंट्रोइड केंद्रक इन सेंटर अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र सर्किम सेंटर परिकेंद्र और ऑर्थो सेंटर लंब केंद्र। त्रिभुज के साइड का इक्वेशन मान लिया दिया रहे ए रहे, बी रहे और सी रहे। यहाँ पर इक्वेशन ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो मान लीजिए एक नंबर इक्वेशन, और दूसरा इक्वेशन मान लीजिए ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो दो नंबर इसको मान लेंगे इक्वेशन, और मान लीजिए इस साइड जो है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले बारी बारी से मान लीजिए तीन नंबर इक्वेशन है, बारी बारी से मान लीजिए जो वर्टेक्स निकालेंगे ए, सबसे पहले तीनों वर्टेक्स निकालेंगे, शीर्ष निकालेंगे त्रिभुज के। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो ए है इस लाइन और इस लाइन यानी इस साइड और इस साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट है, दोनों को हल करेंगे तो ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, वैसा ही इसको और एक और दो इक्वेशन को, एक और दो इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स सी आ जाएगा। उसके बाद तीन नंबर इक्वेशन है, तीन और दो को सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। जब कोऑर्डिनेट तीनों आ जाएगा तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को हम लोग जी से लिखते हैं, ये होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, एक्स कोऑर्डिनेट हो गया ही। उसके बाद वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, फार्मूला लगा लेंगे। कब लगाएंगे, जब तीनों वर्टिसेस जो है मालूम हो जाए तब। उसके बाद इन सेंटर इसको आई से लिखेंगे हम लोग, इसका भी फार्मूला हम लोग देखे हुए हैं। देखिए अब ए जो वर्टिसेस है इसके सामने जो साइड होगा इसको ए से लिखेंगे, बी है इसके सामने वाला को बी से लिखेंगे और सी के जो अपोजिट साइड है इसको सी से लिखेंगे। अब बी और सी जब वर्टिसेस मालूम हो जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूला से ए निकालेंगे, वैसा ही जो डिस्टेंस फार्मूला से इस साइड निकालेंगे बी और उसके बाद इसको निकालेंगे सी। अब इन सेंटर का फार्मूला में देखें हैं ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी। उसके बाद ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया इन सेंटर। और बाकी रह गया सर्किम सेंटर, तो सर्किम सेंटर मान लीजिए कहीं है पी, तो हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं कि सर्किम सेंटर से ट्रायंगल के वर्टिसेस की डिस्टेंस इक्वल होता है, यानी इक्वी डिस्टेंस होता है, यानी ई और ई तीनों बराबर हो जाएगा। तो इसको हम कुछ मान लेंगे, पी जो है पी, पी को हम मान लेंगे, मान लेते हैं अल्फा बीटा, मान लेते हैं अल्फा बीटा, और दूरी सूत्र से इसको बराबर करेंगे यानी ए पी बराबर बी पी बराबर सी पी, ऐसा इक्वेशन आएगा। दो इक्वेशन लेंगे और दोनों को हल कर देंगे, कोई दो को हल करेंगे उसके बाद आ जाएगा हमारा यहाँ पर अल्फा बीटा, तो सर्किम सेंटर आ जाएगा। उसके बाद ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो होता है हम लोग देख रहे हैं ऑर्थो सेंटर माने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, शीर्ष लंब, मान लीजिए शीर्ष लंब खींच रहे हैं ए से, इसका इक्वेशन दिया रहेगा और यहाँ पर वर्टिसेस जो है ये निकाले हुए हैं, आ इस साइड जो है इस साइड बी सी इस पर लंबवत होगा, तो मान लीजिए इसका जब स्लोप निकालिएगा, इसका स्लोप यानी इसका स्लोप निकाल लेंगे तो जो इसका स्लोप होगा, मान लीजिए इसका स्लोप जो हम निकालेंगे तो माइनस ए टू बाई बी टू,
तो इसका भी स्लोप हम लोग निकालेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, बी टू बाई ए टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब एक पॉइंट मालूम हो गया यहाँ पर, मैंने इस लाइन पर एक पॉइंट मालूम हो गया, इसका स्लोप मालूम हो गया, तो हम लोग कॉन्सेप्ट से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। वैसा ही मान लिए बी से यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, अब फिर इसका इक्वेशन निकालेंगे, दोनों को हल करेंगे, जो एक्स वाई का वैल्यू आएगा वही हो जाएगा ऑर्थो सेंटर, यानी ऑर्थो सेंटर जो होता है शीर्ष लंब का संगमन बिंदु होता है, जो शीर्ष लंब इसमें तीन गो होगा और तीनों एक ही पॉइंट से जो है पास करता है, तो किसी दो गो को पकड़ के हल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये हम हिंट्स बताए, करना आपको कर लेना उसको। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या देखे थे कि जब दो लाइन दिया रहे L1 और L2, तो इसे पास करने वाला जो लाइन है उसका इक्वेशन क्या होगा, तो L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू जीरो, या L2 प्लस लेमडा L1 इक्वल टू जीरो। L1 L1 जब कोई इक्वेशन होगा स्ट्रेट लाइन, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई आ प्लस सी वन आ प्लस लेमडा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई आ प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, मैंने इस फॉर्म में जब इक्वेशन रहेगा, इस फॉर्म में जब इक्वेशन रहेगा, यानी एक स्ट्रेट लाइन प्लस कॉन्स्टेंट इक्वल फिर गुना में दूसरा स्ट्रेट लाइन, तो इसको समझेंगे कि जो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करेगा, किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि प्रूफ दैट फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, यह साबित कीजिए कि जो निम्नलिखित जो इक्वेशन है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी निरूपित कर रहा है, विच पासेस थ्रू, जो गुजर रहा है थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, जो एक निश्चित बिंदु से पास कर रहा है, ऑल्सो फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट को जो है ऑल्सो फाइंड करना। तो सॉल्यूशन जो है नंबर वन, यहाँ पर लेमडा आ प्लस एक्स है आ वाई प्लस फोर है, तो हम क्या करेंगे इसको लिख देंगे वाई माइनस फोर आ प्लस लेमडा एक्स इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पर लिखने के लिए, समझाने के लिए आपको जीरो इंटू एक्स प्लस वाई आ माइनस फोर आ प्लस लेमडा, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस जीरो वाई आ प्लस सी। देखिए इस फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया तो यह एक स्ट्रेट लाइन होगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ही होगा। तो जब भी इस फॉर्म में रहेगा जब इक्वेशन, तो हम लोग समझेंगे कि वो दो स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन है, एक तीसरा स्ट्रेट लाइन हो जो एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकलेगा, इसको इसको क्या करेंगे जीरो करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन होगा जीरो करेंगे स्ट्रेट लाइन होगा, और दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, यानी फिक्स्ड पॉइंट आएगा। तो कैसे देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है ये, अब यहाँ पर तो जीरो हम इसको कंप्लीट करने के लिए नहीं किए हैं, ये हो जाएगा वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा एक्स, चलिए सी यहाँ पर जीरो होगा, एक्स बराबर जीरो, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा फोर आ एक्स वैल्यू हो जाएगा जीरो, तो फिक्स्ड पॉइंट, इसलिए फिक्स्ड पॉइंट हो गया x बराबर जीरो y इक्वल टू फोर, यही हो गया। और दो नंबर सॉल्व करते हैं, देखिए सॉल्यूशन नंबर दो, अब इसको चलिए सिंपल भी कर लेते हैं, के एक्स और माइनस एक्स हो जाएगा, उसके बाद के वाई हो जाएगा, और उसके बाद प्लस थ्री के हो जाएगा, और उसके बाद इधर आ रहा है तो माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब जो है इसमें चलिए के इसमें यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स आ माइनस वन, इसको एक साथ कर लेते हैं, और जिसमें जिसमें के उसमें से के कॉमन निकाल लेते हैं, के कॉमन निकालेंगे, ये हो जाएगा यहाँ से एक्स प्लस वाई आ प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर लेमडा के जगह पर के हो गया।
तो जब भी इस रूप में दिखे स्ट्रेट लाइन, तो उसको समझ लेना है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन है, जो इस स्ट्रेट लाइन या इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करेगा, उसके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरेगा। तो ये साबित हो गया। उसके बाद प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो करेंगे, और दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस वाई और प्लस थ्री इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस वन आएगा। अब यहाँ पर माइनस वन रख लेते हैं, अब y का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा y का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू, तो हमको हो जाएगा फिक्स्ड पॉइंट। इसलिए फिक्स्ड पॉइंट इक्वल टू हो जाएगा x माइनस वन और y माइनस टू, यही हो गया आंसर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से इसमें ए है इसमें ए, तो ए कॉमन निकाल लेते हैं, तो ए हो जाएगा यहाँ पर तो 4x और प्लस 5 हो जाएगा। चलिए इसमें बी है इसमें बी है, तो इसमें से हम 3b कॉमन निकाल लेते हैं। 3b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा और प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू जीरो। हम क्या करते हैं कि ए से भाग कर देते हैं दोनों तरफ, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 5 और 3b और प्लस ए 2x प्लस वाई। तो यह कॉन्स्टेंट है, इसको क्या कर लेंगे सुविधा के लिए समझाने के लिए, इसको हम मान लेते हैं लेमडा लेमडा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है, फिर लेमडा यहाँ पर प्लस लेमडा इंटू दूसरा स्ट्रेट लाइन, जब इस फॉर्म में रहेगा तो समझ लेना है कि एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है जो किसी फिक्स पॉइंट से पास करेगा, और वह फिक्स पॉइंट क्या होगा, ये दोनों स्ट्रेट लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। सॉल्व करना बहुत आसान है, 4x प्लस 5 इक्वल टू जीरो है, तो x का वैल्यू माइनस 5 बाई यहाँ पर 4 हो जाएगा, और फिर इसको हम 2x प्लस वाई इक्वल टू जीरो करेंगे, तो यहाँ से y का वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस 2 है और x का वैल्यू आया है माइनस 5 बाई 4, तो ये कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कटेगा तो ये हो जाएगा 5 बाई 2 हो जाएगा। तो इसलिए फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा, x का वैल्यू आया है माइनस 5 बाई 4 और दूसरा 5 बाई 2, यही हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो जाएगा जो इस लाइन और इस लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। हाँ, उसी के जैसे अभी क्वेश्चन देखिए, इसमें दे दिया गया है इफ यदि ए बी सी आर इन एपी देन प्रूव दैट द लाइन इतना पासेस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट, ऑल्सो फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट। मैंने कहने का मतलब ए बी सी जो दिया है एपी में दिया है, तो ये साबित करना है कि फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी फिक्स पॉइंट से पास कर रहा है और वह फिक्स पॉइंट हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे, तो चूंकि ए बी सी आर इन ए पी, जब ए पी में रहता है, तो इसलिए हम बताए हैं इसमें रिलेशन कि मिडिल का दुगुना अब फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर होता है। अब यहाँ से मान लिया हम c का वैल्यू निकाले, c का तो ये इधर आ जाएगा, तो 2b माइनस a हो जाएगा, इसको एक नंबर मान लेते हैं। अब नाउ जो स्ट्रेट लाइन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अब यहाँ से हो जाएगा ax प्लस बी वाई और c का वैल्यू है 2b माइनस a इक्वल टू जीरो। अब ए इसमें है, इसमें एक कॉमन निकाल लेते हैं तो x माइनस वन हो जाएगा, b कॉमन निकाल लेंगे तो y प्लस टू हो जाएगा। चलिए a से जब भाग कर देंगे दोनों तरफ तो x माइनस वन प्लस बी बाई ए और y प्लस टू हो जाएगा, तो x माइनस वन आ इसको हम सुविधा के लिए लैम्डा मान लेते हैं, तो y प्लस टू, देखिए एक स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा,
प्लस लैम्डा यहाँ पर है, तो यही साबित कर देता है कि यह फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, यानी एक दो स्ट्रेट लाइन है जिसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वह फिक्स पॉइंट होगा। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको जीरो कर लेंगे एक बार, तो जीरो करेंगे तो यहाँ पर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और दूसरा वाई प्लस टू को हम लोग जीरो करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा वन और y का वैल्यू हो जाएगा माइनस टू। तो इसलिए फिक्स्ड पॉइंट ये हो जाएगा वन और माइनस टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। हेडिंग है परपेंडुलर डिस्टेंस ऑफ ए गिवन पॉइंट फ्रॉम ए गिवन लाइन, चाहे इसी को कहते हैं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट टू ए गिवन लाइन। मैंने कहने का मतलब है कि एक स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा जिसका इक्वेशन रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, आ एक पॉइंट मान लिए दिया है, यहाँ पर दिया रहेगा एक्स वन वाई वन दिया रहेगा। अब ये जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए आर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो यही जो डिस्टेंस है आर, यही आर निकालना है। तो हम लिख सकते हैं लेट आर बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट x1 y1 टू द लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, देन आर क्या होगा। तो आर देखिए इसके लिए फॉर्मूला है कि इस पॉइंट को ला के इसमें रख देंगे, कहने का मतलब है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन और प्लस सी, माने एक्स जगह पर एक्स वन को रख देंगे, वाई की जगह पर वाई वन को रख देंगे, और उसके बाद बाटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, और डिस्टेंस आर जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ई, और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, इसलिए इसको मॉडुलस हम लोग कर देंगे। मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन हो जाए, माने लाइन दिया रहेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, और मान लीजिए ओरिजिन से डाला गया परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये आर है, ये एक्स वन वाई वन है ना, ये जीरो जीरो हो गया, तो ये आर यहाँ पर आर हो जाएगा, तो इसमें जीरो रखेंगे, इसमें जीरो, फार्मूला यही है, यहाँ पर जीरो कर देंगे, यहाँ पर जीरो कर देंगे, बन जाएगा सी सी के मूल से बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम ओरिजिन। अच्छा, ओरिजिन से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है। हाँ, यहाँ पर मेन ये है, मॉडुलस यहाँ पर रखेंगे यहीं तक। हाँ, क्वेश्चन से हम लोग क्लियर करते हैं इसको। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन, इतना माने एक स्ट्रेट लाइन है, रफली खींच लेंगे 4x प्लस 3y माइनस 16 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट हो गया 2 माइनस 3। मान लीजिए r है, यहीं r निकालना है, तो बताए हम लोग तरीका देखें कि इस पॉइंट को ला कर इसमें रख देंगे, यानी 4 है आ x जगह पर 2 रख देंगे, और प्लस 3 वाई के जगह पर रख देंगे हम लोग माइनस 3 और माइनस 16 का मॉडुलस बाई 4 स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर अंडर रूट, कैलकुलेट करेंगे 8 हो जाएगा माइनस 9 और माइनस 16 मॉडुलस बाई 4 हो जाए 16 और 9 25 का रूट 5 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 25 25 में से 8 जाएगा 17, अब माइनस 17 होगा, माइनस 17 का मॉडुलस 5, तो माइनस 17 का मॉडुलस 17 ही होगा,
इतना यूनिट, यही क्वेश्चन कह दिया जाता, यही क्वेश्चन कह दिया जाता कि ओरिजिन से इसका डिस्टेंस निकालिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जीरो जीरो। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला देखे कि ऑय तो जीरो हो जाएगा इसमें, ऑय जीरो हो जाएगा, खाली कॉन्स्टेंट टर्म यानी सी का मॉडुलस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट देखे हम लोग, ये हो जाएगा माइनस 16 का मॉडुलस, अब बाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 5, यानी 16 बटा 5 आ जाता है आंसर, जबकि नहीं दिया है, यही पूछ रहा है। हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी, एसटी लाइन लिखा गया है। मान लीजिए दो स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई आप प्लस सी वन ले रहे हैं, सी वन ले रहे हैं, सी नहीं ले रहे हैं, सी वन बता रहे हैं क्यों ले रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इक्वेशन दिया रहेगा यहाँ पर दोनों का ए बी सेम है, क्या कि दोनों पैरेलल हैं। अब बताया गया है जब दो लाइन पैरेलल होगा तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म में ही अंतर होता है, एक्स और वाई का कोएफिशिएंट सेम होता है, क्योंकि दोनों का स्लोप जो होगा इक्वल होगा। अब इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, मान लीजिए डी है डिस्टेंस, तो डी कितना होगा, तो डी का फॉर्मूला होता है सी वन माइनस सी टू, अच्छा है सी टू माइनस सी वन, अब बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट सी टू माइनस सी वन, मॉडुलस है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, मॉडुलस इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता। तो दो स्ट्रेट लाइन दिया रहेगा, इसके बीच का डिस्टेंस मान लीजिए डी है, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंस अब बाई एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पैरेलल लाइन कहा गया ये आप ही को समझना है, कैसे समझेंगे, तो 3x माइनस 4y और माइनस 5 इक्वल टू जीरो, इसको LHS से लाएंगे, RHS से लाएंगे LHS, एंड दूसरा इक्वेशन है 3x और माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों एक जैसे सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस है, तो a हमारा हो गया 3 और b हो गया माइनस 4 और c1 हो गया माइनस 5 और c2 हो गया माइनस 12। तो चूंकि रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो जाएगा c1 माइनस c2 का मॉडुलस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो c1 हमारा है माइनस 5 और माइनस c2, तो माइनस ही 12 है माइनस फॉर्मूले में, तो ये हो जाएगा प्लस 12। अब उसके बाद हो जाएगा ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर और प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 7 का मॉडुलस। उसके बाद 9 और 16 अंडर रूट, ये हो जाएगा 7/5, 7 का मॉडुलस 7 ही होगा, यही हो जाएगा आंसर। दो नंबर सॉल्यूशन, एक्स प्लस वाई और माइनस 5 इक्वल टू जीरो कर लेंगे, एक नंबर ये हो गया। अब 2x है और प्लस 2y है आई इक्वल टू 7 है, तो इसको पहले हम लोग कुछ इसमें से सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सरल इसको करेंगे, तो 2 कॉमन निकाल लें चाहे 2 से भाग कर देंगे दोनों तरफ, एक्स प्लस वाई और 7/2 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस वाई और माइनस 7/2 इक्वल टू जीरो। दो नंबर, अब देखिए ये जो है यहाँ पर इतना ये दोनों सेम है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म में डिफरेंस आ गया था, ये पैरेलल होगा, तो यहाँ पर है और ए वन बी भी वन होगा और सी वन के बात है ये हो जाएगा माइनस 5 और सी टू के बात हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 7/2। रिक्वायर्ड डिस्टेंस
ये होता है सी वन माइनस सी टू का मॉडुलस बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो सी वन हमारा है माइनस फाइव आ ई माइनस, तो ये भी माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस सेवन बाई टू हो जाएगा बाई वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अंडर रूट, अभी हो जाएगा दस दस आई हो जाएगा आपका सात, ये हो जाएगा माइनस तीन बटा दो का मॉडुलस अब बाई रूट टू, तो यहाँ हो जाएगा हमारा थ्री अब बाई टू रूट टू, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ ए एंड बी आर द इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस रेस्पेक्टिवली एंड पी बी द इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन प्रूफ दैट इतना, माने एक लाइन है जिसका एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है, जो एक्स इंटरसेप्ट ए है वाई इंटरसेप्ट बी है और पी जो है उस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बाद इसको प्रूफ करना है। यानी एक स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर कट कर रहा है ए जीरो है, यानी एक्स इंटरसेप्ट होगा जीरो बी, तो इसका इक्वेशन जो हो जाएगा इसका इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी जो हम लोग पहले पढ़े हैं इक्वल टू वन होता है। अब यहाँ से आ यहाँ से डिस्टेंस है पी, चलिए तो हम लोग देखे थे डिस्टेंस, यानी यहाँ पर पी अभी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा मान लीजिए बताए हैं कि सी का मॉडुलस बाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अंडर रूट, तो यहाँ पर सी तो हो जाएगा हम इसको इधर खींच लेंगे यानी एक्स बाई ए हो गया अब प्लस वाई बाई बी माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो ये माइनस वन का मॉडुलस। ए क्या होता है तो एक्स का कोएफिशिएंट, तो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर वन बाई ए है इसका स्क्वायर अब प्लस वाई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये वैल्यू किसके बराबर होता है पी के, हम लोग स्क्वायरिंग कर लेंगे इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोर्ड साइड, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल टू वन बाई ए स्क्वायर और प्लस वन बाई बी स्क्वायर, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले लेंगे यानी उसको व्युत्क्रम कर देंगे उसका, उसके बाद हमको प्राप्त हो जाएगा वन बाई पी स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर, यही तो प्रूव करना था। हाँ क्वेश्चन है इफ पी एंड पी वन बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द स्ट्रेट लाइंस टू एक्स साइन थीटा प्लस टू आई कॉस थीटा इक्वल टू ए साइन टू थीटा एंड एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इक्वल टू ए कॉस टू थीटा प्रूफ दैट इतना फोर पी स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मैंने कहने का मतलब एक दो स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, एक दिया है यहाँ पर यहाँ टू साइन थीटा, इसको थोड़ा सा हम सिंपल करके लिखते हैं एक्स अब प्लस टू कॉस थीटा इंटू वाई आ माइनस माइनस ए ए साइन टू थीटा इक्वल टू जीरो, आ ओरिजिन से इसका डिस्टेंस ओरिजिन से इसका जो डिस्टेंस है पी है, दूसरा स्ट्रेट लाइन है दूसरा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पर कॉस थीटा एक्स उसके बाद माइनस साइन थीटा वाई और माइनस ए कॉस टू थीटा इक्वल टू जीरो, इसका भी ओरिजिन से डिस्टेंस जो पी वन है, तो फॉर्मूला से तो फार्मूला तो था सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, यही तो फार्मूला होता है इसका। चलते यहाँ पर हो जाएगा पी इक्वल टू जब इसमें रखेंगे ओरिजिन को ये भी जीरो तो बन जाएगा ये तो माइनस ए साइन टू थीटा का मॉडुलस बाई इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट स्क्वायर थीटा,
अभी माइनस है तो ये हो जाएगा ए साइन टू थीटा मॉडुलस है, तो इस कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, इतना ही होगा। अब बाई चलिए चार कॉमन हो जाएगा तो दो हो जाएगा, मतलब चार जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो हो जाएगा दो, अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा वन। तो हमारा पी का वैल्यू आया ए साइन टू थीटा बाई टू, उसके बाद मॉडुलस है, इसका स्क्वायरिंग हम लोग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर, ये हो जाएगा अब ए स्क्वायर आ साइन स्क्वायर टू थीटा बाई फोर, फोर हो जाएगा, ये पी का वैल्यू हो गया। वैसा ही जब पी वन निकालेंगे हम लोग, चलिए ओरिजिन रखेंगे तो कांस्टेंट टर्म तो ही हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस ए कॉस टू थीटा का मॉडुलस बाई एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा है, अब प्लस ये माइनस साइन थीटा है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ई हो जाएगा अंडर रूट आ इसका वैल्यू वन हो जाएगा, यानी बाटा में वन हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग कर लेंगे हम लोग, स्क्वायरिंग जब हम लोग कर लेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर आ कॉस स्क्वायर टू थीटा, हाँ स्क्वायरिंग करने के बाद स्क्वायरिंग जब कर लेंगे हम लोग स्क्वायरिंग तो ही हो जाएगा पी वन स्क्वायर इक्वल टू इतना हो जाएगा। उसके बाद इसमें चलिए अब थोड़ा सा जगह कम है इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग हाँ देखिए तो ई और ई आ गया है। चलिए यहाँ से साइन स्क्वायर टू थीटा निकालते हैं, तो साइन स्क्वायर टू थीटा इक्वल टू हो जाएगा चार से पहले गुना हो जाएगा तो फोर पी स्क्वायर अब बाई यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर बाटा में, एंड अगर कॉस स्क्वायर टू थीटा का बात करें यहाँ से तो ये हो जाएगा पी वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अब इसको एक मान लेते हैं आ इसको दो मान लेते हैं, नाउ वन और दो को हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद ई और ई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर पी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और प्लस पी वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ई तो हो जाएगा वन, ई वन हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा हाँ वन बाई ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा फोर पी स्क्वायर आ प्लस पी वन स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे ऐसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू फोर पी स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर, इसको उधर लिख दीजिए यानी फोर पी स्क्वायर प्लस पी वन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, इसको पढ़ना है समझना और आगे क्वेश्चन अगला एक्सरसाइज बनाना है। धन्यवाद। कम मिनट बाद